गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी है भाई, भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। सामने देखिए इधर, सामने सर। आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते, एंडोर्स नहीं ना कर सकते हैं। आप बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं भाई। आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर, 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है, 705 डॉक्टर का लिस्ट आया है। क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए? वो तो हम आकर के ना कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का है कि हल्ला मचाओ। और देखिए, हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। अब अच्छा काम करते जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीजों पे। अरे भाई, एसोसिएशन को तो ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। बहुत सारे लोगों को उसमें नामित किया गया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जा रही है। क्या चीज? वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक पन्ने का ऐड दिया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 10 बड़े ऑफिशियल्स, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, उनके खिलाफ अमेरिका में इकोनॉमिक सैंक्शंस की मांग की जा रही है। नहीं नहीं, हमको जानकारी नहीं है, हम नहीं देखे इस बात को। बिना जानकारी के कोई बात कहना ठीक नहीं है।